नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी बहुत आम है। उदाहरण के लिए, अधिक गति वाले वर्कआउट के बाद आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से ठीक भी हो जाती है। हालांकि अगर आप लगातार मांसपेशियों की कमजोरी से ग्रस्त हैं, तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी के कारण आपको कई और अन्य लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे शरीर के किसी किसी क्षेत्र में जलन महसूस होना, अचानक से गिर जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना आदि। अगर आपको बिना किसी कारण के मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जितना जल्दी कारण पता चलेगा, उतनी ही जल्दी आप बीमारी का इलाज कर पाएंगे। इस बीच आप मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय की मदद भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको मांसपेशियों की कमजोरी के उपाय बता रहे हैं, जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में इस कमी को पूरा करें और सही मात्रा में विटामिन डी लें। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को बनाए रखता है, जो कि मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन डी की मात्रा को पूरा करने के लिए कुछ समय तक सूरज के सामने बैठें। बस आपको सुबह जल्दी उठना है और 15 से 20 मिनट के लिए सूरज के सामने बैठना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको तेज धूप में नहीं जाना। साथ ही विटामिन डी से समृद्ध आहार खाएं, जैसे सालमन, सार्डिनेस, मैकरेल, फोर्टिफाइड मिल्क। दूध में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना फोर्टिफाइड मिल्क होता है, संतरे का जूस, दाल आदि। इसके अलावा आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने के लिए केला खाएं। केला शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है और मांसपेशियों में कमजोरी को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। केले में सुक्रोज और ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, साथ ही इसमें पोटेशियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह ऊर्जा मांसपेशियों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप 1 से 2 केला रोजाना अपने आहार में शामिल करें। साथ ही आप केला और दूध को मिलाकर भी मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। केले को पूरे दिन में 2 से 3 बार जरूर खाएं। इसके अलावा दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी को ठीक करने के लिए अंडे खाएं। अंडे खाने से मांसपेशियों में आई कमजोरी और थकान से लड़ने में मदद मिलती है। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है और पोषण भी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B2, प्रोटीन और फोलिक एसिड। ये सभी शरीर और मांसपेशियों के लिए बेहद बेहतरीन होते हैं। आप नाश्ते में 2 से 3 उबले अंडे या अंडों का ऑमलेट भी बनाकर खा सकते हैं। अंडे के साथ साथ अंडे की जर्दी भी खाएं, यह प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। पूरे दिन में 1 बार अंडा अवश्य खाएं, खासकर नाश्ते में। और आखिरी दोस्तों, कि मांसपेशियों की कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए तेल से मसाज करें। रोजाना तेल से मसाज करने से त्वचा में रक्त परिसंचरण बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और रक्त प्रवाह भी बेहतर होता है। तेल में मौजूद पोषक तत्व मसाज के दौरान कमजोर मांसपेशियों में गहराई तक जाते हैं और उन्हें मजबूती देते हैं। मसाज के लिए आप नीलगिरी तेल और रोजमेरी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तेलों में सूजन रोधी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो मांसपेशियों में दर्द व मांसपेशियों की कमजोरी से संबंधित लक्षणों से आराम दिलाते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि मसाज किन कौन से तेलों से करना है। सबसे पहले जैतून के तेल, नारियल तेल या फिर सरसों का तेल लें। अब तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें। गर्म तेल को शरीर पर लगाएं, खासकर पैरों में। फिर आराम आराम से 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। इस उपाय को कुछ दिनों तक पूरे दिन में कई बार दोहराएं। फिर देखिए, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी मांसपेशियों के दर्द और कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।